दिल को जनाए मेरे रातें ये आंसू भरी तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े मांगू मैं रब से दुआ हेलो पलवेश्या अरे आ चुको पलवेश्या आई अब्बा अम्मी प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है अरे पलवेश्या आ गई आ गई अब्बा आई आ रही हूँ आ गई क्या रोजाना है ये जरूरी है क्या आवाज दिया करूँ तुम्हें ताकि हर राह चलते को पता चल जाए कि पलवेश्या नाम है तुम्हारा नहीं अब्बा वो आज इंग्लिश का टेस्ट है ना मेरा तो अम्मी से दुआ का कह रही थी किससे दुआ के लिए कह रही अम्मी से दुआ का कह रही थी अरे तुम्हारी माँ तो खुद एक बद्दुआ थी भाई अब क्या मरी हुई बद्दुआ से दुआ के लिए कहोगी अल्लाह माफ करे उसे भी और मुझे भी अब्बा तो आप ही दुआ दे दें प्लीज कि मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए ये जो कॉलेज जाने की इजाजत दे रखी है ना तुम्हें इसे दुआ ही समझो और इस इजाजत के बदले जो कसम उठाई थी तुमने याद है ना बोलो बोलो कभी धोखा नहीं दूंगी आपको हाँ और जहाँ मैं शादी करूंगा वहां शादी करूंगी ऊंचा बोलो दिल से बोला करो जी अच्छा मैं छोड़ के आ करूंगा तुम्हें कॉलेज और वापसी में वो वैगन ले लिया करेगी तो तुम्हारी माँ की बीमारी ने कर्जों के बोझ तले दबा दिया अच्छा ही हो गया भाई चली गई चलो तुम भी चलो अरे आ जाओ क्या क्रेन उठाने आएगी तुम्हें जी आ गई अम्मा पेट्रोल जाया हो रहा है क्या करना है इसका हाँ जल्दी आओ ध्यान से बैठना बैठ गई चलो अरे ये क्या ले आई क्या नजर नहीं आ रहा सैंडविचेस हैं अच्छी तरह से जानती हूँ नजर भी आ रहा है लेकिन तुझे मालूम है ना कि वो ये सैंडविच नहीं खाएगा अरे मेरा आजर नाश्ते में 4 अंडों का आमलेट खाता है ये नहीं पसंद आएगा उसे हाँ तो एक दिन खाएगा नहीं तो मर नहीं जाएगा हाय तौबा अस्तगफार तौबा तौबा हाय कैसी बहन है हाँ भाई को बद्दुआएं दे रही है तौबा अस्तगफार तौबा क्या मतलब ये मुर्गी मछली दूध अंडे गोश्त पे सब पे आजर का हक है अरे बिल्कुल है उसका हक लड़का है कमाऊ पूत है घर में एक दिन भी बंदा इस घर में सुकून से नहीं सो सकता जो सारा कारोबार है तो कौन कहता है कौन कहता है औरतें मजलूम होती हैं अरे मेरा आज़र मैट्रिक में था जब अमानत चल बसे मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ये स्टोर संभाले जब वो काम करता है तब ये घर चलता है अरे उस स्टोर का बोझ ऊपर से तेरे रिश्ते ना होने का बोझ अरे क्या क्या संभालेगा मेरा आज़र सगी माँ होती ना तो बेटी और बेटे का फर्क नहीं करती अरे अम्मा और आपा अरे बस कर दो थकते नहीं हो दूसरा स्टोर इसीलिए खोला था ताकि घर में तंगी ना हो लेकिन यहां यहां तो सुबह उठते ही घर जंग का मैदान बन जाता है अरे
हाँ जमाल, दो दर्जन, मेरी बात सुन, दो दर्जन अंडे ले और फटाफट घर पहुंच, एक दर्जन अम्मा के लिए और एक दर्जन आपा के लिए। अब खुश? अरे जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। अरे क्या खास जीता रहे, दोनों को खुशी तो बहुत मिली होगी मेरी नींद खराब करके। अरे कहाँ चल दिया? तैयार होने जा रहा हूँ अम्मा, वो दूसरे स्टोर का आज पहला दिन है, ओपनिंग है आज, मेले में एंट्री मारनी, हाजिर के स्टाइल। मैं सबके जाऊं मेरा बच्चा। यहाँ पे बांधना और यहाँ से लेके ये इस कोने पे, ठीक है? चल 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 चल। हाँ भाई जमाल, वो घर पर अंडे पहुँचा दिए थे ना, बवाल हो गया था घर पे। हाँ दो दर्जन पहुँचा दिए थे भाई। हाँ बस ठीक है, और ये बता काम कैसा चल रहा है? भाई अभी तो शुरू हुआ है, लगे हैं टनाटन, रात तक लश हो जाएगा। देख भाई दुकान जो है ना एकदम सजीवी होनी चाहिए, पूरे मेले को पता चलना चाहिए कि मेले में एक नया जनरल स्टोर खुला है, समझा? अब भाई बेफिक्र रहो, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाएगा, बस एक छोटी सी टेंशन आ रही भाई, वो लड़के सारे खाना मांग रहे, खाना है लेकिन ठंडा हो गया। ये भी कोई मसला है, मेले के किसी भी घर में जाता पतीला लेके गर्म करवा लेता जाके। बस अब किसी भी घर की घंटी मारूं बोलूं खाना गर्म कर दो तो और क्या। देख भाई बात जो है ना डिसेंसी से करनी होती है, डिसेंसी से। अभी देख तेरा भाई जाएगा खाना लेके, डिसेंसी से बात करेगा और गरम करवा के लाएगा, फिर मंड देना सब। ठीक है मैं खाना ले जाता हूँ, तुम गरम करा के ले आओ फटाफट। अबे यार क्या खड़ा हुआ है, शाम हो जाएगी, तो देना बलू बांधू जल्दी ला। अरे 5 बजे का टाइम है, अभी तो 4 बजे। मैं सुना रही हूँ अम्मी मार्केट गई है, आ जाओ चल। अब कल से 3 बजे ना आ जाना, कॉलेज होता है मेरा, ठीक है? मैडम जी जी। वो मैं कह रहा था कि खाना गर्म कर दे। सॉरी। अरे बात तो सुने मेरी, वो सामने वाला नया स्टोर देखा? मेरा है, मजदूर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है वहां, खाना खाना है गर्म कर दो,
अब महल्ले वाले महल्ले वालों की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हेलो मिस्टर, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना कर। मोहल्ले में और भी घर है, किसी और से जाके मदद मांगो। अब हाँ है तो सही, लेकिन सबसे करीब घर तो यही है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, खुदा हाफिज। अरे मेरी सगल के प्यारे दिल के काले, कैसे हैं महल्ले वाले? लो जी आजर मियां, इब्तिदाई गलत हो गई। चल अलवशा बाजी, आप तो कहती थी कि हर नेकी अल्लाह ताला को खुश करती है। हाँ करती है, लेकिन तुमने हुलिया देखा था उसका? कोई गुंडा बदमाश लग रहा था। और अगर अगर अब्बा आ जाते तो मेरी तो शामत ही आ जाती। चलो खैर तुम चलो, अपनी सारी बुक्स खोलो, होमवर्क निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। Oh,
तकन से बुरा हाल है, हद हो गई तुम्हारी, बैठने तो दो। अब्बा आपको आपको पता है 6 घंटे से लाइट नहीं थी अम्मा, और ये लोग शोर मचा रहे हैं, और आप भी इतना लेट हो गए अम्मा, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, मैं बहुत डर गई थी। अरे तुम तो रोना बंद करो भाई, जिंदा हूँ मरा नहीं हुए। अरे स्कूटर खराब हो गया था, धकेल के लाया और मैकेनिक भी नहीं मिला। और ये लफंगे जश्न मना रहे होंगे ना, लफंगे है ना। करता हूँ सुभाष जी साहब से बात, ये किसी गुंडे को दे दिए दुकान किराए पे। तुम तो ठंडा पानी पिलाओ जाकर, ये टसवे बहाना बंद करो बस। अरे चुप कर जाओ, आ रहा मैं सुबह खबर लेने तुम्हारी। समाल, हो गया क्या बात है चचा, पूरा मेला ले आया हमारे इस्तकबाल के लिए। यार क्या हो गया, इस्तकबाल नहीं करने आए, छुट्टी कराने आए तुम्हारी। छुट्टी? छुट्टी का इंतजार तो हमने कभी स्कूल में नहीं किया, हमेशा घंटा बजने से पहले निकल जाते थे हम। क्यों जमाल बकवास नहीं करो, नाम निकल गए तुम्हारे। आजी साहब ने कहा था यहाँ गोदाम खुलेगा और तुमने ये खान जनरल स्टोर खोल लिया। सामने मेरा घर है और ये इस जैसे लफंगों का तो झटका लगा रहेगा, हमारी बहु बेटियों को तो घरों से निकले तुम्हारे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बड़े मासूम हो तुम। अब इस स्टोर पर बैठ कर कोई आंखें थोड़ी लड़ाता है जब तक सामने वाला खुद ना चाहे। अरे सुभान दराज, हमारे मोहल्ले में खड़े होकर हमारी बच्चों में इल्जाम लगा। आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि आज़ीर खान के गिरेबान तक पहुंचे, समझे? अब तो कौस्ता तक अर्जी जाएगी, ये स्टोर नहीं खुलेगा। अरे चचा बड़े भूले हो तुम, ये स्टोर मेरे अब्बा ने हाजी साहब को किराए पर दिया था। दिया था कि नहीं? अरे दिया था, क्या बोलो? तो मैंने वापस ले ली, काउंसलर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि सारी कानूनी कार्रवाई हो गई है। रात से जीन आराम किया हुआ है, स्टोर खोलने के जोश में रात भर पटाखे चलते रहे, गाने बजते रहे, ये कौन सा तरीका है? हाँ तो ऐसे बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अब दोस्त यार आ गए, मजा मस्ती कर ली, जवान लोग हैं तो क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, ठीक है? चलो हाँ, लेकिन एक बात सुनो, ये स्टोर खुलेगा भी और चलेगा भी, किसी में हिम्मत है तो यहाँ से हटा कर दिखा दो, समझे? हाँ भाई, किसी को शौक पूरा करना है तो आ जाए। अबे किस काम की ये जान मुंह से उतार दिए जा रहे, चलो पड़े तुम अपने तरफ से डाले वाले बनाए। अरे चलो भाई, भाई चाचा आया बड़ा भरम से था, सारा भरम पंचर हो गया।
क्या बात है भाई, लंच नहीं करना? तुम जाओ यार, मैं तो एक ब्लॉग कंप्लीट करके उठूंगी अब। अरे तो मेरे घर चलो ना, मेरे लैपटॉप पे कर लेना। पागल हो गई हो क्या तुम? अम्मा को नहीं जानती? वो मुश्किल कॉलेज आने की इजाजत देते हो मुझे। वो तो शुक्र है प्रिंसिपल मैडम ने कॉलेज का कंप्यूटर यूज करने की परमिशन दे दी, वरना ब्लॉग लिखने की ऑफर भी हाथ से निकल जाती। पता है इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, मेरे अब्बा तो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि कल आजर का जफर चचा के साथ झगड़ा हो गया। आजर कौन है? अरे आजर जिसकी दुकान है तुम्हारे घर के सामने। पता है उसकी दुकान की ना ग्रैंड ओपनिंग हुई है, 25% डिस्काउंट दे रहा है। पता है जब मैं उसकी पुरानी दुकान पे जाती थी ना, जो मेरा दिल चाहता था मुझे मुफ्त में दे देता था। मुझे तो लगता है पसंद करता है मुझे। हाँ तुम ले लिया करती थी? कितना बदतमीज है वो गुंडा टाइप का। हुसन को कोई खराज दे तो किसे बुरा लगता है। अच्छी लड़कियां अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखती हैं। ओफो, एक तो अंकल के शकी रवैये ने ना तुम्हें भी खुश मिजाज बना दिया। पेड़ भले ही घना क्यों ना, उसके साए में लोग ठहरते जरूर हैं। वो जैसे भी हैं जो भी हैं, मुझ पर उनका एहतराम और मोहब्बत फर्ज है। जा रही हूँ कैंटीन, यहीं खड़ी रही ना दिमाग पक जाना है मेरा। सुनो वैन तो नजर ही नहीं आ रही, सुबह आई थी क्या? हाँ सुबह तो आई थी। अच्छा मुझे अपना फोन देना, मुझे कॉल करनी, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, जल्दी दो। बैलेंस तो मेरे पास भी नहीं है। ओहो अच्छा चलो मैं एडमिन ऑफिस जाके कॉल करके आती हूँ, ठीक है? कि जल्दी आना। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या बदतमीजी है, जाओ यहां से। इसे बदतमीजी नहीं, ऑफर के स्वीकार। वैसे भी खड़े खड़े थक जाओ, धूप देख रही हो कितनी। खूबसूरत सा चेहरा मुरझा जाएगा। और चलो ड्रॉप कर दे, किसी बहाने कुछ बातें हो गई। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे कहाँ जा रही हो, बोल रहा ना चलो। छोड़ो मेरा हाथ घटिया इंसान, छोड़ो। घटिया ये भी ठीक है, वैसे इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ कोई अहमक ही छोड़े। छोड़ो मेरा हाथ, वरना 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 क्या बोलो। चलो कह रहा हूँ चलो।
ये लो पानी पियो, रोना बंद करो। रोने में और क्या करूं मैं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना, अगर अब्बा को पता लग गया तो वो मेरी पढ़ाई रोक देंगे सायमा। तो ये तो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना पल्विशा। थप्पड़ ना मारती तो और क्या करती मैं, बदतमीज लड़का, तो मेरे मुंह के आगे उसने बाइक आके रोक दी। दो दफा इग्नोर किया मैंने उसे और तीसरी बार हाथ ही उठा दिया। हाँ, जवाबन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम खुद ही तो मुझे कहती हो ना कि अच्छी लड़कियां अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखती हैं, तो फिर तीसरी बार भी इग्नोर करना चाहिए था ना। देखो पल्विशा, तुम्हें नहीं पता ऐसे लड़कों का भरोसा नहीं किया जाता, ये किसी भी वक्त कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। टीवी नहीं देखती, अखबार नहीं पढ़ती। बस कर दो सायमा, बस कर दो, तो मुझे और डरा रही हो, मेरे मैसेज सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैंने क्या कर दिया। पल्विशा मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। अगर ये बात गलती से भी जफर चाचा को पता चल गई किसी गलत अंदाज में, तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, किसी भी राह चलते का हाथ पकड़ के तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें अलविदा कह देंगे। तुम एक काम करो, मेरा ख्याल है तुम्हें दो तीन दिन तक कॉलेज नहीं आना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक ही तो कह रही है सायमा, मैं जितना नाक की सीट में चल, एक शक, सिर्फ एक शक अब्बा को मुझसे बदसन कर देगा। नाज़र, अरे अब तो दूसरा स्टोर भी खुल गया है, अब तो शादी के लिए हाँ करते हैं। अरे कहाँ खो गया है, कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे। अरे ये देखना, ये देख जरा, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें हैं, अरे जरा देख तो सही। मोहब्बत के बगैर शादी नहीं करूंगा, और आपा की शादी से पहले तो हरगिज नहीं करूंगा। ये फिजा के चक्कर में बैठा रहा है ना तू, 25 बरस का हो गया है, और ये मोहब्बत क्या चीज है हा? अरे जब शादी हो जाती है ना, तो मियां बीवी के बीच में खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। किसी अच्छी लड़की से मोहब्बत ना हो जाए तब तक। और ये अच्छी लड़की की तारीफ क्या है भाई, हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। जो मोहब्बत दे, सुकून दे, तुम्हारी और आपा की तरह घर को जंग का मैदान ना बना दे। देखा सर, अब तू अपनी माँ पे तंज कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ अम्मा, एक दिन भी इस घर में गुजारना मुश्किल हो जाता है, और अपनी बेटी की खुशियां तो बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे कह रही हूँ मैं शादी कर लूँ, फिर दो ने तीन औरतें लड़ रही होंगी इस घर में, और खाने के बीच में बोलते नहीं है, खामोशी से रोटी खाओ। रोटी कैसे दे, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? वो अब्बा आज अचानक से तेज हो गई थी, आप ये दूसरी ले। कॉलेज ना, पढ़ने के लिए भेजता, पढ़ाई में ध्यान रहे तो बेहतर है जी अब्बा। अगर ये आंच तेज होने की वजह कुछ और हुई तो बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें जी अब्बा। वापस कब आई थी? वो वैन खराब हो गई थी अब्बा, तो 3 बज गए थे। आंखें उठा के बात करो, इधर देखो, ये आंखें क्यों सूजी हैं तुम्हारी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अब्बा, क्या हो गया है? सामने ये खान स्टोर खुल गया ये लौंडों का, इसलिए वक्त बे वक्त ये दरवाजे पे और छत पे जाने की गुजरत नहीं, टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, और अपनी मां जैसा कोई गुल ना खिलाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा।
मैं भी साथ चलती हूँ। क्यों? आज की दुकान से जूस लूंगी, बहुत प्यास लग रही है यार, आ जाओ। अच्छा तो सुनो, मेरा काम करना, ये ना मेरे नंबर पे ना 50 का इजी रूट भी करवा देना, ठीक है? अरे क्यों, मेरे साथ चलो ना, साथ करवाते हैं। पागल हो गई हो क्या? अब्बा ने सख्ती से मना किया है मुझे। अच्छा तब अब्बा का ख्याल नहीं आया जब कॉलेज के सामने उस लड़के को रख के तुमने थप्पड़ मारा था? अब अब्बा का बड़ा ख्याल आ रहा है। उस वक्त अब्बा को पता नहीं चला ना, तो इस बार भी पता नहीं चलेगा। सरमा दोनों बातों में बहुत फर्क है ना, तुम जाओ, वैसे भी वो मनाहिल की बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, चलो दो मिनट की तो बातें, मजा आएगा। नहीं जा रही मैं, घर जा रही हूँ। सरमा नहीं, सरमा मेरी बात सुनो। नहीं यार, नहीं ना सरमा, छोड़ो अब्बा देख लेंगे। नहीं होगा, चलो चुप, कुछ नहीं सरमा, मर पाऊंगी। कैसी हो? ठीक, जूस चाहिए था। जूस चाहिए? कौन सा? स्ट्रॉबेरी का, मुझे प्यार से सब स्ट्रॉबेरी कहते हैं। क्या बात है, मिलेगा स्ट्रॉबेरी का? हाँ भाई जमाल, जूस लिया स्ट्रॉबेरी। ये मेरी दोस्त के मोबाइल में 50 का बैलेंस डाल दो। हाँ क्यों नहीं, अभी डाल देते हैं। मैडम जी नंबर बोलो। नहीं तुम एक काम करो, 100 वाला कार्ड दे दो। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें अपने मोबाइल में 50 का इजी लोड करवाना है। शक्ल देखिए उसकी, गुंडा लगता है। मेरा नंबर चला जाएगा उसके पास, कार्ड ही सही है ना? ओ मैडम जी, जिस स्टोर का मालिक हूँ मैं, कोई ऐसे वैसे लड़का नहीं हूँ कि लड़कियों के नंबर ही सेव करता फिरूं। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे अपना इजी लोड करवाते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि सबको मिस काले मारते फिरे। तो ऐसे रहता। चल भाई जमाल, पूछ मैडम से कौन सा कार्ड चाहिए। बीबी जूस कहाँ है तुम्हारा? जूस नहीं आया? नहीं। रिमाल देना भाई जूस। दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ठंडा दे, ठंडा देना। ये लो तुम्हारा जूस। हाँ लेकिन दो चाहिए थे जूस। हाँ क्यों नहीं, दो लो तुम। दे भाई जमाल दूसरा जूस भी, दे दे मैडम को ठंडा स्ट्रॉबेरी। अब खुश? गुंडा ऐसे लोफर कहीं का। नहीं बात करने की तो तमीज नहीं है। तो कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? पता नहीं सायमा से इतना अच्छा इंसान क्यों समझती है। सही है, कुछ चाहिए कोई बात नहीं। और ये इसके पैसे? सायमा चले बाद में देखूंगी। सही है ना फिर। और कुछ चाहिए तो आ जाना। हाँ भाई तुम पैसे दो भाई जूस के। के पैसे? दो जूस पिए। वो लेकर गई है, दे देगी पैसे, क्या होगा? उसने दे दिए, चल गई दुकान। चलेगी नहीं, दौड़ेगी, पब्लिसिटी हो रही है। तो दे दो सब, दे दो और दे दूं, निकाल लूंगा। काम करो।
दो। Hey.